हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जहाँ आए हैं अपने स्कूल में, जहाँ से मैंने अपना LKG UKG जूनियर सेक्शन की पढ़ाई किया, तो उस स्कूल का ही सबसे बेहतरीन क्लास था उस टाइम का, तो मैं यहाँ पर हूँ। और इसी स्कूल से मैं, ये जो आप ब्लैकबोर्ड देख रहे हैं, ये उसी टाइम का है, उसी टाइम का ब्लैक बोर्ड है। और देखिए, ये सब डेसिमल्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, हिंदी की वर्णमाला, ये सब मैंने यहीं से सीखा है। अब इधर आपको दिखाता हूँ, जो नंबर 4 देख रहे हैं, हमने हिंदी को गिनना सीखा इसी विद्यालय से। और आज गांधी जयंती है, तो हम घर पर आए थे तो सोचे कि विद्यालय चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा घूम आते हैं, आज छुट्टी का दिन है। तो गांधी जी की आज जयंती है, तो मेरी तरफ से गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गांधी जी से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा, उसके बाद अपनी सादगी से लोगों को, दिल को जीता, लोगों को जोड़ा, हमें गांधी जी से ये सीखना चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कैसे उन्होंने देश को आज़ाद कराया। गांधी जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे, और कभी कभी उनके अंदर दृढ़ता तो इतनी थी कि अपने दृढ़ता के बल पर उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। वो जिधर चलते थे, चल पड़े जिधर, तो डगमग थे, मतलब जिधर चलते थे उनकी तरफ पैर की संख्या गिन नहीं सकते कि इतने पैर चल रहे थे। गांधी जी ऐसे थे, इसलिए आज गांधी जयंती है तो हम आज उनको याद कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हम विद्यालय आए हैं, तो सोचा कि आपको मैं दिखाऊं। और ये सीट्स हैं, उस टाइम तो हम लोग, उस टाइम शायद सीट मिलती थी क्लास 8 में, तो क्लास 8 में मिलती थी जब विद्यालय करते थे, तो सीट मिल जाती थी तो बहुत खुशी होती थी। ये तो अच्छी सीट ऐसी थी, नहीं तो ऐसे टेबल और चेयर रहता था बैठने के लिए, नहीं तो कभी कभी जमीन पे भी बैठ कर पढ़ना पड़ता था, ऐसा था। वो टाइम बहुत ही लोग पढ़ने, अब तो चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं, मोबाइल फोन आ गया है। उस टाइम यही रहता था कि हम लोग बिल्कुल टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे, कि उन्होंने जो सिखा दिया वही सीखना है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि कुछ टाइम जिन्होंने सिखाया है वही याद है दिमाग में। आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कौन गुरु है आपका पता ही नहीं कि आपने कहाँ से क्या सीखा, लेकिन जो बेसिक चीजें थी वो आज तक दिमाग में बैठी हुई है। तो हम जो गुरुजन लोग हमको सिखाए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अब आइए थोड़ा सा बात करने का लेते हैं, कुछ पेड़ के दिखाते। ये देखिए प्लांट्स हैं, दिख रहे, ये तो अभी प्लांट लगा हुआ है, लेकिन ये जो पीपल का पेड़ दिखाई है, ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं, जब हम लोअर क्लास में थे तब ये पीपल का पेड़ बहुत छोटा था, इतना छोटा था, इस टाइम तो बहुत बड़ा हो गया है ये पीपल का पेड़। अभी था उसी ग्राउंड में हम लोग खेलते थे, और उधर जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसको पाकड़ का पेड़ बोलते हैं, तो उस पे भी हम लोग छोटे थे तो चढ़ते थे ऐसे। देखिए इस टाइम बारिश हो रही है, अभी आए हैं तो, बारिश हो रही है फिर भी उसमें ब्लॉग बना रहे हैं, आप लोगों को दिखाएं कितना अच्छा लग रहा है ये मौसम, बहुत ही अच्छा है। अच्छा लग गया है, इधर भी झूला बच्चों के लिए, झूला मेला देखिए ये झूला लगा हुआ है। जब हम पढ़ते थे तो झूला नहीं था यहाँ, हम लोग तो पेड़ों पे ही चढ़ते थे। उधर नदी है, उधर नदी है, और हम लोग नदी की तरफ घूमने जाते थे। और उधर जंगल भी है, जंगल में हम लोग जा कर के पेड़ पे चढ़ना और ये सब करना, एक्टिव कुछ कुछ खेल ही खेलते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये झूला लगा हुआ है और इसको बांधा गया है, क्योंकि बच्चे इतने शरारती हैं कि उसको इतना इसी पे कूदते रहते हैं, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है। तो ये जो पौधा हमने बताया था, जो पीपल का प्लांट है, इस टाइम बहुत छोटा था, देखिए कितना बड़ा हो गया है।
ये देखिए, स्कूल का जो एक तरीके का जो रूल रेगुलेशन है, कैसे क्या करना है, स्टूडेंट कम टू स्कूल एट राइट टाइम एवरी स्कूल डे इन यूनिफॉर्म। तो जब हम पढ़ते थे उस टाइम स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं लगी हुई थी, तो जो ही पहन के चले आते थे। लेकिन अब तो स्कूल में यूनिफॉर्म लग गई है और बच्चों को उनकी आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है, उसको गले में टांग करके ले आना है, तमाम चीज़ें हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अब होने लगी है। उस टाइम हमारे टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती थी, तो इस चीज़ का डर नहीं रहता था कि गार्जियन आएंगे तो कुछ डांटेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। और ये जो गेट देख रहे हैं, उस टाइम में गेट नहीं बना हुआ था, अब तो ये गेट बन गया है। पहले क्या था कि बिल्कुल खुला खुला सा था। ये थोड़ा सा दिखाइए इधर इधर, ये जो देख रहे हैं ये सब ऐसे मैदान थे, इसमें बबूल के पेड़ लगे हुए थे, बहुत बहुत कांटे रहते थे, तो बच करके आना पड़ता था, बहुत ग्रीनरी रहती थी। ये देखिए यहाँ पर, ये सिसकिहा बाबा का स्थान है, और इस स्थान के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी इस रास्ते से कोई भी ट्रैक्टर ईंट को लेकर के जाता है, तो वहाँ पर सिसकिहा बाबा के नाम से दो चार ईंट तो उसको रखनी ही है। अगर वो ईंट नहीं उतारता रखता तो वो ट्रैक्टर आगे जा ही नहीं सकता था। आगे एक मान्यता है, ऐसा एक एक श्रद्धा थी, एक विश्वास था, ऐसा लोगों ने था कि आपको यहाँ दो चार ईंट रख दीजिए और सब काम आपका सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से अपनी ईंट और ये सब चीज़ें रखते रखते तमाम चीज़ें अपना बनी। और ये इधर कितनी जगह है, ये देखिए खेत है, और इन सब खेतों में हम लोग अभी, ये रास्ता इधर से है, इधर से भी रास्ता है। अब ये जो देख आप देख रहे हैं, ये सब उस टाइम नहीं बना हुआ था, ये जो बाउंड्री है उस टाइम नहीं बना हुआ था। अब देखिए इसमें तमाम तरीके के कलरफुल डायग्राम बन गए हैं, तो ये चीज़ों बच्चों को अट्रैक्ट करती है। उस टाइम ये सब नहीं था, हम लोग किताबों में देख करके और इन सब चीज़ों से सीखते थे। तो देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है। ये शीशम का प्लांट है इधर, ढेर सारा शीशम का प्लांट है। अभी तो छोटा छोटा है, पहले बहुत बड़ा था, तो इसकी कटाई हो गई, फिर से लगा वन विभाग ने इसको लगा दिया है। तो अब धीरे धीरे सारी सुख सुविधाएँ सब डेवलप हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ले आइए, और एक चीज़ आपको हम और पुरानी दिखा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना ब्लैक बोर्ड है। मुझे याद है जब मैं क्लास 5 में था या क्लास 4 में था, तो यहाँ पर जो हमारे टीचर थे वो पहाड़ा सिखाते थे, जिसको आजकल हम लोग टेबल बोलते हैं, दो एकम दो, दो दो नी चार, दो तीन छः। ये यहाँ पर मैंने सीखा है, मुझे याद है, यहाँ पर वो पढ़ाते थे और हम लोग यहाँ ज़मीन पे पढ़ते थे। ज़मीन पे पढ़ते थे, होता ये था कि मान लीजिए ठंडी का समय है, धूप निकली हुई है, तो धूप में बच्चे यहाँ आराम से बैठ जाते थे। अभी तो यहाँ बहुत आपको मिट्टी दिख रही है, उस टाइम क्या था कि यहाँ घास रहती थी, तो घास पे आराम से बैठ करके हम लोग सीखते थे। तो ये वो जगह है, हालांकि अभी ये यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो बच्चे अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो पहाड़ा मैंने यहाँ बैठ करके सीखा है, और नैतिक शिक्षा की क्लास चलती थी यहाँ पर। नैतिक शिक्षा की क्लास, वो जो देख रहे हैं आप, पाकड़ का पेड़, इसको पाकड़ का पेड़ बोलते हैं। तो ये जो घूमने वाला जो बना है, यहाँ पर टीचर बैठाते थे, और नैतिक शिक्षा की क्लास कंबाइन होती थी, उसमें दो तीन क्लास के बच्चे बैठ करके नैतिक शिक्षा सीखते थे। महापुरुषों के बारे में सीखना, उनके बारे में, मतलब अच्छी चीज़ों को बताई जाती थी। तो जो चीज़ें बताई जाती थी आज भी यहाँ पर फीड है। शायद ये रीज़न रहा होगा कि उस टाइम चीज़ें कम थी, तो जो चीज़ें से दिमाग में बैठ जाती थी, आज की तरह नहीं है कि दिन भर में इतने यूट्यूब चैनल पे इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज और ये सब चीज़ें सीखते हैं लोग, और दिमाग में कोई चीज़ फीड नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, और ऑनलाइन तो कुछ दिनों के लिए सही है, लेकिन ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है। ये देखिए तुलसी जी का पौधा है, और भी ढेर सारे फूल हैं। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा।
अपने पुराने स्कूल पे आकर के जहाँ से मैंने बेसिक चीज़ों को सीखा, और जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आज की चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण जो है, जो मैंने फील किया, महसूस किया, ऑप्शन इतने ढेर सारे ऑप्शन हो गए हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वो क्या पढ़ें, क्योंकि हर कोई चीज़ हर किसी को बेहतर ही बताता है कि ये चीज़ सही है, यही सही है, यही सही है। लेकिन पहले के समय में टीचर क्या करता था कि उसमें से जो बेहतर चीज़ रहती थी वही बताता था। आज हर टीचर यही कहता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, और इस चक्कर में बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या सीखें। तो जब से ऑनलाइन चीज़ें आई हैं तो हर किसी के बेहतर के चक्कर में बेहतर मिल नहीं पा रहा है, तो इस पे कुछ काम करने की ज़रूरत है। बाकी हमने आपको ये सब दिखा दिया, आपने मेरे ब्लॉग को देखा, मुझे लगा कि दिखाना चाहिए, और आपने इंजॉय भी किया होगा, मुझे बताने में बहुत अच्छा लगा। अब ब्लॉग को यहीं पर हम समाप्त करेंगे।